दोस्तों मई के महीने में हमने साइक्लोन यास के वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन को देखा था। इस डिजास्टर से फैली तबाही के बीच यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन चीफ मामी मिजोतोरी द्वारा उड़ीसा सीएम श्री नवीन पटनायक के डिजास्टर मैनेजमेंट की तारीफ करना इस देश और उड़ीसा के लोगों के लिए गर्व की बात है। केवल इतना ही नहीं, कोविड मैनेजमेंट के लिए भी लास्ट ईयर उड़ीसा को देश भर में सराहा गया था। दोस्तों ये बातें हमारे मन में सवाल को जन्म देती हैं कि इंडिया का वो स्टेट जिसने 1999 में आए साइक्लोन की वजह से 10,000 से ज़्यादा जाने गंवाई थी, जो 1995 से 2000 के बीच सीवियर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक्सट्रीम लो डेवलपमेंट स्टेज पे खड़ा था, कैसे उस स्टेट ने खुद को यू ट्रांसफॉर्म किया कि आज उसे देश और दुनिया भर में आशा भरी नज़रों से देखा जा रहा है। तो दोस्तों आज की ये कहानी है उड़ीसा के नाम, जिसने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से हम सभी को आश्चर्य में डाल दिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम उड़ीसा की जर्नी को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे उड़ीसा ने खुद को डेवलपमेंट और ग्रोथ के रास्ते पे आगे बढ़ाया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों आइए इस डिस्कशन की शुरुआत उड़ीसा से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से करते हैं। हमारे नेशनल एंथम जनगण मन में उत्कल नाम से मेंशन ये स्टेट इंडिया का 8th लार्जेस्ट स्टेट है, जो ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। बे ऑफ बंगाल से 85 किलोमीटर कोस्टलाइन के साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से अपने बॉर्डर शेयर करता है। 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हुए इस स्टेट की पॉपुलेशन लगभग 4.68 करोड़ है, जिसमें से 83% लोग आज भी रूरल एरियाज में रहते हैं। दोस्तों उड़ीसा के पॉपुलेशन का एक मेजर फ्रैक्शन 93.6% हिंदुइज्म को फॉलो करता है। वहीं अदर रिलीजन्स में क्रिश्चियनिटी के 2.77% और इस्लाम के 2.16% फॉलोअर्स हैं। इसके साथ उड़ीसा में एक वास्ट ट्राइबल पॉपुलेशन भी प्रेजेंट है। दोस्तों इंडिया में 75 वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिनमें से 13 उड़ीसा में रहते हैं। उड़ीसा के टोटल पॉपुलेशन का 22.85% ट्राइबल पॉपुलेशन है। अपनी 62 ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ उड़ीसा में सबसे डाइवर्स ट्राइबल ग्रुप्स देखे जा सकते हैं। स्टेट के ट्राइबल ग्रुप्स में गोंड और खोंड प्रोमिनेंट हैं। उड़ीसा की लिटरेसी रेट 72.9% है, जो इंडिया की एवरेज लिटरेसी 77.7% से थोड़ी कम है। दोस्तों ये थी उड़ीसा से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स। आइए अब इस रीजन की हिस्ट्री पे एक नजर डालते हैं। उड़ीसा एंशियंट टेक्स्ट जैसे कि महाभारत और वायु पुराण में कलिंगा नाम से मेंशन्ड है, और इतिहास के पन्नों में कलिंगा से जुड़ी एक मेजर इवेंट वो है जब अशोका ने 261 BC में इस रीजन पे हमला किया था। कलिंगा वॉर नाम से फेमस इस वॉर में 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कहा जाता है कि इस युद्ध में हुए खून खराबे और मौतों से सम्राट अशोक के ऊपर इतना असर पड़ा था कि उन्होंने हिंसा के रास्ते को त्याग अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपना लिया। प्रेजेंट डे पाकिस्तान के शहबाजगरी और मनसेरा में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए रॉक एडिक्ट्स कलिंगा वॉर और अशोका के ऊपर हुए उसके इम्पैक्ट को मेंशन करते हैं। अशोका के बाद कलिंगा ने जैन किंग खारावेला, इंडिया के नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त और शशांक का रूल देखा। आगे चलकर उड़ीसा में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी की स्थापना होती है, जिसके दौरान पुरी के जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क से कोणार्क सन टेम्पल जैसी भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों की चर्चा हम अगले सेक्शन में करेंगे। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के बाद यहाँ गजपति किंगडम का स्टैब्लिशमेंट होता है, जिनका रूल ऑलमोस्ट 1568 तक एक्सटेंड करता है। 1568 के बाद इस रीजन को बंगाल सल्तनत द्वारा एनेक्स कर लिया जाता है और 1751 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान इसे मराठास को सौंप देते हैं। दोस्तों इस रीजन में यदि ब्रिटिश ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो ये सेकेंड कैरनेटिक वॉर के बाद 1760 से शुरू हुई। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ी गई इस वॉर में ब्रिटिशर्स ने अपनी जीत के बाद उड़ीसा के सदर्न कोस्ट समेत पूरे नदन सिरकार्स को अपने कब्जे में लेकर मद्रास प्रेसिडेंसी में मर्ज कर दिया था। 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स पूरी कटक रीजन में मराठास को बाहर निकाल उड़ीसा के नदर्न और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स को बंगाल प्रेसिडेंसी में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। 1903 में हम उत्कल समिलानी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन देखते हैं, जिसकी डिमांड उड़िया स्पीकिंग रीजन्स को यूनिफाई कर एक स्टेट बनाने की थी।
इस डिमांड के तहत 1 अप्रैल 1912 को बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस का फॉर्मेशन होता है और आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को लिंग्विस्टिक बेसिस पे उड़ीसा प्रोविंस का क्रिएशन होता है। दोस्तों, ओडिशा के न्यूमरस और डाइवर्स रूलर्स ने इस रीजन के आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में अनेक योगदान दिया है। बौद्ध, जैन और हिंदू रूलर्स द्वारा बनाए गए कई धर्मों के प्रार्थना स्थल उड़ीसा में मौजूद हैं। उदयगिरी और खंडागिरी केव्स भुवनेश्वर सिटी के पास किंग खारावेला द्वारा बनवाई गई फेमस आर्किटेक्चरल साइट्स हैं। हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाली इन केव्स को जैन भिक्षुओं के रहने के लिए 1st century BC में बनवाया गया था। इन केव्स ग्रुप में रानी गुम्फा, हाथी गुम्फा, अनंता गुम्फा, गणेशा गुम्फा, बागा गुम्फा एक्सेट्रा प्रोमिनेंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इन केव्स को मस्ट सी इंडियन हेरिटेज लिस्ट में रखा गया है। परशुरामेश्वरा टेम्पल 7th-8th century में शहलोत बवा पीरियड के दौरान बनाया गया एक हिंदू टेम्पल है। भुवनेश्वर में ये टेम्पल उड़ीसा का ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। नागरा स्टाइल में बने इस टेम्पल में pre-10th century कलिंगा आर्किटेक्चर की सारी खूबियां मौजूद हैं। लिंगाराज टेम्पल भी भुवनेश्वर में स्थित एक शिव टेम्पल है जिसे सोमावंशी डायनेस्टी के जजाति केशरी द्वारा 11th century में बनवाया गया था, जिसका एनेक्सेशन गंगा रूलर्स द्वारा किया गया था। ड्यूला स्टाइल में बने इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 50 अदर श्राइन्स हैं जिन्हें एक कंपाउंड वॉल द्वारा इनक्लोज किया गया है। इस मंदिर के सेंट्रल डीटी लिंगाराज को लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु दोनों के रूप में पूजा जाता है। इस टेम्पल की एक खास बात है कि यहाँ हिंदुइज्म के दो सेक्शंस शाइविज्म और वैष्णविज्म के बीच हार्मनी देखने को मिलती है। भुवनेश्वर में स्थित राजारानी टेम्पल की अपनी अलग पहचान है। पंचारथा स्टाइल में बने इस टेम्पल को ओरिजिनली इंद्रेश्वरा के नाम से जाना जाता था। मंदिर के अंदर किसी इमेज के ना होने से इसे हिंदुइज्म के किसी स्पेसिफिक सेक्शन से एसोसिएट नहीं किया जाता है, लेकिन मंदिर के आसपास की दीवारों में बने लॉर्ड शिवा, नटराज और पार्वती के स्कल्पचर्स के बेसिस पे इसे शैवियर टेम्पल के तौर पे क्लासिफाई किया जाता है। सोमावंशी किंग्स द्वारा 11th-12th century में बनाए गए इस टेम्पल के आर्किटेक्चर से खजुराहो और टोटेश्वरा टेम्पल इंस्पायर्ड हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उड़ीसा के सबसे प्रोमिनेंट और वर्ल्ड फेमस टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन देवा द्वारा 12th century में की गई थी। ये मंदिर लॉर्ड विष्णु के अवतार लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमानिका तीर्था भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि लॉर्ड जगन्नाथ के प्रेजेंस से यहाँ यमा यानी कि गॉड ऑफ डेथ की पावर काम नहीं करती है। इस टेम्पल को व्हाइट पैगोडा भी कहा जाता है और ये हिंदू बिलीफ के चार धाम यात्रा में से एक है। दूसरे तीन पिलग्रिमेजेस बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम है। दोस्तों, इस मंदिर के सामने अरुणा स्तंभ या सन पिलर खड़ा है जो ओरिजिनली सेंट टेम्पल कोणार्क में मौजूद था। जगन्नाथ मंदिर वैष्णवाइट फॉलोअर्स के लिए स्पेशली सेक्रेड है। कई महान वैष्णवाइट सेंट जैसे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बर्काचार्य उनमें से कुछ एक हैं। गौड़िया वैष्णविज्म के फाउंडर चैतन्य महाप्रभु ने भी लॉर्ड जगन्नाथ से अट्रैक्ट होकर पुरी में कई सालों तक अपना जीवन व्यतीत किया है। दोस्तों, जगन्नाथ धाम से जुड़ी एक रथ यात्रा वर्ल्ड फेमस है। इस यात्रा में जगन्नाथ टेम्पल से प्रीसीडिंग डीटीज लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालाभद्रा और गॉडेस सुभद्रा को उनके रथ पे विराजमान कर झांकी निकाली जाती है जो 2 मील दूर गुंडिजा टेम्पल तक जाती है। जगन्नाथ मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर दूर कोणार्क का सन टेम्पल भी वर्ल्ड फेमस है। गंगा डायनेस्टी के नरसिम्हा वन द्वारा 1250 AD में बनवाया गया ये मंदिर हिंदू सन गॉड सूर्य को डेडिकेटेड है। दोस्तों, इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। कोणार्क मंदिर के डिस्ट्रक्शन का रीजन आज भी डिबेटेबल है। एक थ्योरी के अनुसार इस मंदिर का डैमेज नेचुरल कॉजेस की वजह से हुआ था, वहीं दूसरी थ्योरी मुस्लिम आर्मीज द्वारा 15th-17th century में किए गए रिपीटेड अटैक्स को जिम्मेदार मानती हैं। दोस्तों, इस मंदिर को इसके अपेयरेंस की वजह से यूरोपियन सेलर्स द्वारा व्हाइट पैगोडा कहा जाता था। कोणार्क टेम्पल आज भी हिंदूज के लिए एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है जहां हर साल फरवरी के महीने में चंद्रभागा मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर दूर ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी को एक साथ डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है। महानदी रिवर बेसिन में स्थित ये साइट्स बुद्धिज्म के वज्रयान सेक्शन के लर्निंग प्लेसेस हुआ करते थे। ब्रह्मपुर से 40 किलोमीटर दूर
बुद्ध कोल आज भी बुद्धिस्ट रूइंस के लिए फेमस है। दोस्तों, यदि रिसोर्सेज की बात की जाए तो उड़ीसा एक समृद्ध स्टेट माना जाएगा। इस स्टेट में वाटर, लैंड, फॉरेस्ट और मिनरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। यदि वाटर रिसोर्स को देखें तो उड़ीसा में कई छोटी और बड़ी नदियां बहती हैं। इन नदियों में सबसे प्रमुख महानदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेटू से निकलकर उड़ीसा से गुजरते हुए बे ऑफ बंगाल में मिलती है। 858 किलोमीटर लंबी इस नदी पे संबालपुर में उड़ीसा का फेमस हीराकुंड डैम बना है। इस डैम का कंस्ट्रक्शन 1953 में कंप्लीट हुआ था। इसके अलावा जयपुरे में इंद्रावती डैम का निर्माण भी महानदी पे ही किया गया है। महानदी के साथ उड़ीसा में सुबर्णा रेखा, बुधावालंगा, बैतारनी, ब्रह्मानी, ऋषिकुल्या इत्यादि भी मौजूद हैं। वाटर रिसोर्सेज के बाद यदि लैंड रिसोर्सेज पर नज़र डाली जाए तो उड़ीसा स्टेट अपने लैंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3 जोन्स में बटा हुआ है। सेंट्रल माउंटेन रीजन, वेस्टर्न हिल रीजन और कोस्टल प्लेन रीजन। दोस्तों, उड़ीसा का सेंट्रल माउंटेन रीजन नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हुआ मयूरभंज से मलकानगिरी तक फैला हुआ है। वहीं वेस्टर्न हिल रीजन महानदी के लेफ्ट और सेंट्रल माउंटेन रीजन से वेस्ट के डायरेक्शन में लाई करता है। उड़ीसा का कोस्टल प्लेन रीजन बे ऑफ बंगाल के ईस्ट से एक्सटेंड करता हुआ ईस्टर्न घाट माउंटेन्स के वेस्ट तक स्ट्रेच करता है। ये एरिया नॉर्थ में सुबर्णरेखा नदी से लेकर साउथ में ऋषिकुल्या तक एक्सटेंड करता है। उड़ीसा की सारी नदियाँ इस रीजन से गुजरते हुए बे ऑफ बंगाल में जा मिलती हैं। दोस्तों, उड़ीसा में साउथ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के कारण अच्छी वर्षा होती है। साथ ही स्टेट का जियोग्राफिकल लोकेशन लगभग हर तरह के फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है। 32% फॉरेस्ट एरिया के साथ उड़ीसा में एवरग्रीन, मानसून, टाइडल और माउंटेन टाइप्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो मिलकर उड़ीसा को देश का एक मेजर फॉरेस्ट सोर्स रीजन बनाते हैं। टीक, साल, शीशु, खैरा और बम्बू इस स्टेट में पाए जाने वाले प्रोमिनेंट ट्रीज हैं। दोस्तों, यदि उड़ीसा के मिनरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज का अबंडेंस देखा जा सकता है। स्टेट के अलग अलग हिस्सों में आयरन ओर, मैग्नीज, क्रोमाइट, बॉक्साइट और लाइमस्टोन एक बड़े क्वांटिटी में अवेलेबल है। यदि देश के कंपैरिजन में देखा जाए तो इंडिया के टोटल आयरन ओर के 28%, कोल के 24%, बॉक्साइट के 59% और क्रोमाइट के 98% रिजर्व्स उड़ीसा में मौजूद हैं। इनमें आयरन ओर रिजर्व्स मयूरभंज, सुंदरगढ़, केवंझर और जजपुर डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। यदि बॉक्साइट डिपॉजिट्स की बात की जाए तो उड़ीसा के सदर्न और वेस्टर्न रीजन यानी कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी और बलांगीर डिस्ट्रिक्ट्स में अबंडेंस में पाए जाते हैं। केवल नेशनल लेवल पे नहीं बट उड़ीसा में वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बॉक्साइट रिजर्व मौजूद है। उड़ीसा के संबालपुर, रायगढ़ और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स मैग्नीज ओर्स के लिए फेमस हैं। इसके अलावा उड़ीसा के झरसुगोड़ा और अंगुल रीजन में लार्ज कोल रिजर्व्स भी पाए जाते हैं। स्टेट के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डोलोमाइट बड़े अमाउंट में पाया जाता है। इन सब के साथ उड़ीसा में चाइना क्ले, फायर क्ले, लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज, कॉपर, ग्रेफाइट, वेनेडियम और प्रीशियस स्टोन्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों, उड़ीसा के मिनरल्स, लैंड और वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी देख हमारे मन में ये सवाल आता है कि यदि उड़ीसा के पास ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी सारे इंटरनली सपोर्टिंग फैक्टर्स थे तो फिर भी उड़ीसा बेसिक डेवलपमेंट से कैसे दूर रह गया। इस डेवलपमेंटल डिप्रिवेशन की हाइट उड़ीसा ने तब देखी जब 1980s के बाद इसे बीमारू यानी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स में इंक्लूड किया जाने लगा। दोस्तों, उड़ीसा के डेवलपमेंटल चैलेंजेस किसी भी दूसरे स्टेट की तरह ही मल्टी डायमेंशनल थे। फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और इकोलॉजिकल। लेकिन उड़ीसा के डेवलपमेंटल चैलेंजेस को एलिवेट करता था उसका पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। उड़ीसा में अर्बन और रूरल दोनों रीजन्स में SCs और STs लार्ज पॉपुलेशन का होना जिन्हें जनरेशन बाय जनरेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से डिप्राइव रखा गया। उन्हें मेन स्ट्रीम ग्रोथ से इंटीग्रेट करना इंडिपेंडेंस के बाद से उड़ीसा के लिए मेजर चैलेंज बना। 1983 में ये पाया गया कि SC/ST ग्रुप में पुअर्स की परसेंटेज 62-79% थी जबकि एंटायर पॉपुलेशन का एवरेज 51-55% था। यदि पॉवर्टी की बात की जाए तो STs में पॉवर्टी अदर कास्ट पॉपुलेशन के कंपैरिजन में डबल हुआ करता था।
रीजन वाइज भी यदि आंकड़ों को जांचा जाए तो वैसे रीजन्स जिनमें एसटी पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन हाई थी, जैसे नदन और सदर्न ओडिशा, कोस्टल रीजन्स के कंपैरिजन में कम डेवलप्ड हुआ करते थे। यदि ओडिशा की पॉवर्टी को ओवरऑल देखा जाए तो 1999 से 2000 के बीच स्टेट में 47.15% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वाइव किया करते थे। ये नंबर्स इंडिया के तब 26% से काफ़ी ज़्यादा थे। दोस्तों, किसी भी रीजन के लिविंग कंडीशन को डिटरमाइन करने में लिटरेसी एक अहम भूमिका निभाती है। उड़ीसा के केस में इस बात को विटनेस किया गया कि ये स्टेट ना सिर्फ पॉवर्टी बट लिटरेसी एंड लैक ऑफ बेसिक एजुकेशन जैसी फंडामेंटल इशूज से भी जूझ रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सेस, कंट्रोल और ओनरशिप में भी ओडिशा ने सीवियर इनइक्वालिटी विटनेस किया। आज़ादी के बाद से किसी प्रॉपर लैंड रिफॉर्म के ना होने के कारण जमीन के हिस्से बंटकर और छोटे होते चले गए, जिसने स्टेट के स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डर्स के नंबर्स को इंक्रीज कर दिया। स्टेट के रूरल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में क्राइसिस तब ज़्यादा विजिबल हुई जब नंबर ऑफ कल्टिवेटर्स में डिक्लाइन हुआ और मार्जिनल वर्कर्स का रैपिड इंक्रीज देखा गया। स्टेट एग्रीकल्चर में मार्जिनल वुमेन वर्कर्स के इंक्रीज ने भी एम्प्लॉयमेंट की अनिश्चितता को दर्शाया। दोस्तों, पोस्ट इंडिपेंडेंस ओडिशा ने माइनिंग और इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट देखा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सिर्फ माइनिंग और एक्सट्रैक्शन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ही फोकस करना और उन नेचुरल रिसोर्सेज के डिग्रेडेशन को होने देना जिन पे पॉपुलेशन के एक मेजर चंक की लाइवलीहुड डिपेंडेंट थी, स्टेट में अनइक्वल ग्रोथ का रीजन बना। दोस्तों, ओडिशा की ये सामाजिक असमानता नेचुरल रिसोर्स और इन्वायरमेंटल इनसिक्योरिटी का रीज़न बनी, जिसने ओडिशा के पहले से बिगड़े हुए एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को और बुरे हाल में पहुंचा दिया। स्टेट के रिसोर्सेज को माइन ओनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा कंट्रोल किया जाना भी सोशल और इकोनॉमिक डिप्रिवेशन का कारण बना। स्टेट के इन्वायरमेंटल एसेट्स का डिक्लाइन प्राइमरीली अनसस्टेनेबल माइनिंग और एक्सट्रैक्शन की वजह से हुआ। एग्रीकल्चर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कमी, एक कॉमनली शेयर्ड विजन का अब्सेंस, ह्यूमन रिसोर्स का डिग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल एमिनिटीज की अब्सेंस, अनअकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब ने उड़ीसा के बैकवर्डनेस में अपना अपना योगदान दिया। सरकार द्वारा माइनिंग, ट्रेडिंग और एक्सट्रैक्शन बेस्ड इंडस्ट्रीज को अनरेगुलेटेड वे में छोड़ देना इररिवर्सिबल इन्वायरमेंटल लॉस और इसकी वजह से होने वाले सोशल फ्रिक्शन का कारण बना। इनके अलावा वीक स्टेट पॉलिसीज, पुअर टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज मिसमैनेजमेंट, नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट से प्रॉपर लिंक का अब्सेंस और बढ़ती हुई पॉवर्टी, इन सब ने स्टेट के सामने मेजर डेवलपमेंटल चैलेंजेस ऑफर किए। साथ ही रिसोर्स डिप्रिवेशन ने उड़ीसा में नक्सलिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट किया, जो आज भी स्टेट के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव है। दोस्तों, उड़ीसा की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट्स 1995 से 2000 के बीच में आए। 1997 में स्टेट लीडर बिजू पटनायक की डेथ से स्टेट पॉलिटिकली अनस्टेबल हो चुका था। डेवलपमेंट से डिप्राइव्ड ओडिशा स्टेट में तब नेचुरल डिजास्टर्स ने भी अपना कहर बरपाया। 1999 में नॉर्थ इंडिया ओशन में डेवलप्ड BOB-06 साइक्लोन ने उस साल ओडिशा में भारी तबाही मचाई थी। इस साइक्लोन ने ओडिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस के अलावा 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान ली थी। इस क्रिटिकल जंक्शन पे उड़ीसा से सारे देश ने अपने उम्मीदें छोड़ दी थी। दोस्तों, उड़ीसा के ट्रेजेडी के अंत की शुरुआत तब हुई जब बिजू पटनायक के सक्सेसर के तौर पर उनके बेटे नवीन पटनायक ने सत्ता की बागडोर संभाली। नवीन पटनायक का पॉलिटिकल करियर अस्का से लोकसभा मेंबर की तरह शुरू हुआ। ये तो नवीन पटनायक पॉलिटिक्स में नए थे, पर उन्होंने अपने सामने आए इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उड़ीसा के नीड को समझते हुए उन्होंने एक रीजनल पार्टी बीजू जनता दल की स्थापना की, जो लोकल इश्यूज पे बेटर फोकस कर पाएगी। इनिशियल फेज में बीजू जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी से अलायंस कर एनडीए गवर्नमेंट में एक कोलिशन पार्टनर बनी और नवीन पटनायक अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर बनाए गए। 1999 के सुपर साइक्लोन उड़ीसा को बियॉन्ड इमेजिनेशन डिवास्टेट किया था और तब की कांग्रेस लेड स्टेट गवर्नमेंट इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी। इस क्राइसिस में नवीन पटनायक और बीजू जनता दल का राइज होता है, जिसे उड़ीसा के लोगों ने 2000 के हुए स्टेट इलेक्शंस में विजयी बनाया। नवीन पटनायक की सरकार के ऊपर पहली जिम्मेदारी आई उन गरीब और अंडर प्रिविलेज लोगों की, जो सोशियो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन के कारण एक लंबे समय से सफर कर रहे थे। सोसाइटी के सेक्शन के लिए कई प्रोग्राम्स अनाउंस कर
नवीन पटनायक ने इनके इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। मास डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड को समझते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने कई रोड्स, ब्रिजेस और दूसरे प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया। दोस्तों, इन्हीं डेवलपमेंट्स के साथ हम उड़ीसा में नवीन एरा की शुरुआत देख सकते हैं। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए राइस एट 1 रुपी या केजी स्कीम लाई गई। नवीन पटनायक द्वारा फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हुए 85 लाख फैमिलीज के 3 करोड़ लोगों को हेल्प दी गई। डिप्राइव्ड लोग जो टाउन्स में आते हैं उन्हें ₹5 में मील प्रोवाइड कराया गया। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च मिशन शक्ति के थ्रू विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया गया। मिशन शक्ति के तहत 5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसने 50 लाख विमेन को सेल्फ सफिशिएंट बनाया। इस योजना से केवल 1% इंटरेस्ट पे अब 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। ममता योजना ने प्रेग्नेंट विमेन और चिल्ड्रन को स्टेट सपोर्ट प्रोवाइड कराया। मदर और चाइल्ड हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखते हुए ममता योजना के तहत 30 लाख से ज़्यादा प्रेग्नेंट विमेन को 1100 करोड़ के फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई। इस स्कीम की वजह से उड़ीसा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 96 से घटकर 40 हो गया। ट्राइबल राइट प्रोटेक्शन के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कई रेगुलेशन पास किए गए। ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट बच्चों को स्टाइपेंड देकर गवर्नमेंट ने उन्हें सेल्फ रिलायंट बनने में मदद की। मधुबाबू पेंशन योजना के तहत स्टेट के 43 लाख बेनिफिशियरीज, जिनमें एल्डरली पीपल, विडोज और अंडर प्रिविलेज शामिल हैं, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फार्मर्स के लिए लॉन्च्ड कालिया स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएम किसान स्कीम के इक्विवेलेंट माना जाता है। फार्मर्स पे फोकस करते हुए 1% इंटरेस्ट पे उन्हें लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही बिजू कृषका कल्याण योजना के तहत फार्मर्स को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर रूरल एरियाज के सारे कच्चे घर को पक्के घर में बदल दिया जाएगा। पिछले 3 सालों में 5 लाख जॉब्स क्रिएट किए गए हैं। साथ ही 11 लाख यूथ को एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेन करने की प्लानिंग की गई है। निरामया प्रोग्राम के तहत 130 लाख लोग आज फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अवेल कर पा रहे हैं। आज उड़ीसा के हर डिस्ट्रिक्ट में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। दोस्तों, इसके साथ नवीन पटनायक ने करप्शन और मलाडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट भी कई स्टेप्स लिए हैं। इस स्टेप की शुरुआत उन्होंने अपने ही गवर्नमेंट के 3 मंत्रियों को उनके पद से हटाकर की थी। एंटी करप्शन मेजर्स को बढ़ावा देते हुए गवर्नमेंट ने करप्ट ऑफिसर्स का सस्पेंशन किया और उनके पेंशंस पर भी रोक लगाना शुरू कर दिया। अपने गवर्नेंस के फोकस को 5 T's पे शिफ्ट कर एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट मॉडल बनाने का प्रयास भी नवीन पटनायक ने किया। इन 5 T's के तहत टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन पे जोर डाला गया। सिटीजन्स की सुविधा के लिए पुलिस स्टेशंस भी रिफॉर्म किए गए ताकि उन्हें पीपल फ्रेंडली बनाया जा सके। दोस्तों, नवीन पटनायक ने स्टेट के नेचुरल कैलमिटी की हिस्ट्री को देखते हुए स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट मशीनरी को रिफॉर्म किया और किसी भी सिचुएशन में प्रॉपरली एक्ट करने के योग्य बनाया। पटनायक गवर्नमेंट ने अपने अनेक स्कीम से सोसाइटी के लगभग हर सेक्शन को टच किया, जिससे स्टेट की इंटीग्रेटेड ग्रोथ पॉसिबल हो पाई। इन सब के अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रोथ के दूसरे एस्पेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी स्पेशल फोकस किया है। दोस्तों, उड़ीसा में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पीछे 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिबरलाइजेशन पॉलिसी का अहम योगदान है। इस पॉलिसी ने कई रिफॉर्म्स किए, जिनमें लाइसेंस परमिट को एबॉलिश करना और न्यू एंटरप्राइजेस की एंट्री को इजी करना सबसे प्रमुख है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट 2001 ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर एग्रेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश किया है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ टैक्स कंसेशन, इंडस्ट्रीज को जमीन कंसेशनल रेट्स पे देना, न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से एग्जेम्प्ट करना और लेबर लॉस को रेशनलाइज कर उड़ीसा में इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया गया। 2007 में पटनायक गवर्नमेंट एक न्यू इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट के साथ आई, जिसका पर्पस उड़ीसा को एक वाइब्रेंट और इंडस्ट्रियलाइज स्टेट के साथ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। 2009 की MSME डेवलपमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के कंसर्न कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिनका ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वैल्यू एडिशन था। इन कंसंट्रेटेड एफर्ट्स की वजह से स्टेट के ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि GVA में इंडस्ट्री का शेयर सर्विसेज के बराबर जा पहुंचा। दोस्तों, उड़ीसा में एंटरप्रेन्योर्स उसके बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड मैन पावर की कमी से आना नहीं चाहते थे।
नवीन पटनायक गवर्नमेंट ने इन्हें आइडेंटिफाई कर एड्रेस करना शुरू किया। कई हाईवेज जो पोर्ट से मिनरल रीजन्स को लिंक करते हैं उन्हें बनाया गया। इन हाईवेज की हेल्प से कटक भुवनेश्वर ट्विन सिटीज को भी जोड़ा गया। उड़ीसा ने हायर एजुकेशनल नीड को समझते हुए एम्स और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया। पटनायक द्वारा इंप्लीमेंटेड इन रिफॉर्म्स की वजह से थ्री फैक्टर्स मैसिव इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, फिस्कल डिसिप्लिन और इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट का क्रिएशन हुआ, जिसने स्टेट की ग्रोथ में मदद की। स्टील, फेरो अलॉयज और एल्युमिनियम के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडस्ट्रियल हाउसेस को इनवाइट करना स्टेट के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। फाइनेंस कमीशन की एडवाइस को मानते हुए उड़ीसा ने फिजिकल डिसिप्लिन की ओथ को फॉलो किया। 2003 के बाद स्टेट गवर्नमेंट द्वारा साइक्लोन और फ्लड्स के अगेंस्ट इनोवेटिव डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करना स्टेट जीडीपी पे होने वाले इनके नेगेटिव इम्पैक्ट को मिटिगेट करने में हेल्पफुल रहा। दोस्तों, नवीन पटनायक द्वारा लिए गए इनिशिएटिव से उड़ीसा ने ग्रोथ और डेवलपमेंट का फेज देखा, लेकिन आज भी कुछ अनटच्ड इश्यूज हैं जिन पे गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव एक्शन की जरूरत है। उड़ीसा के सदन केबी के रीजन में अब भी वाइड स्प्रेड पॉवर्टी विटनेस की जा सकती है। केबी के रीजन उड़ीसा के 8 डिस्ट्रिक्ट ग्रुप से मिलकर बना है। इनमें से कालाहांडी, कोरापुत, बलांगीर, नुआपड़ा, सोनेपुर, रायगढ़ा, मलकानगिरी और नबरांगपुर शामिल है। ये रीजन आज उड़ीसा का पूरेस्ट रीजन है। केबी के रीजन जो कि लार्जली ट्राइबल रीजन है, वहाँ आज भी सीवियर ड्रॉट्स की वजह से फ्रीक्वेंट फेमिन्स भी विटनेस किए जाते हैं, जो पॉवर्टी और फूड इनसिक्योरिटी को जन्म देते हैं। इस रीजन के फूड इनसिक्योरिटी और पॉवर्टी की वजह से इसे हंगर बेल्ट ऑफ इंडिया कहा गया है। केबी के रीजन स्टेट गवर्नमेंट के लैक ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पॉलिसीज और अप्रोच को शो करता है। स्टेट का हेल्थ आज भी पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड है और इसमें प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी कम इंटरफेरेंस है। स्टेट गवर्नमेंट की बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी पब्लिक हेल्थ का ओवरऑल स्टेटस बिलो सेटिस्फैक्शन है। यदि हेल्थ सेक्टर में भी प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री अलाउ की जाए तो हेल्थ कवर इंक्रीज करने में ये कंस्ट्रक्टिव स्टेप होगा। उड़ीसा द्वारा विटनेस किए गए इस ग्रोथ सर्ज को आज भी बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में चेंज नहीं किया जा सका है, जो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन अप्रोच को क्वेश्चन करती है। स्टेट के वेरियस रीजन्स में अब भी डेवलपमेंट लेवल पे डिस्पैरिटी देखी जा सकती है, जो इस बात का समर्थन करती है कि हर रीजन की सेपरेट इन डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत है। दोस्तों, उड़ीसा को इंडिया का बेस्ट केप्ट सीक्रेट कहा जाता है। ये फ्रेज उड़ीसा के हिडन टूरिज्म पोटेंशियल को दर्शाता है, जिसे आज भी प्रॉपरली टैप नहीं किया गया है। ऑल्दो पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क इत्यादि को आज टूरिस्ट सिटीज़ की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बट उड़ीसा की ब्यूटी इन रीजन से आगे भी फैली हुई है। फॉरेस्ट, लैंडस्केप, सॉल्ट वाटर लेक्स जैसे चिलिका सी कोस्ट टूरिज्म सेक्टर के लिए इमेंस पोटेंशियल रखते हैं। उड़ीसा के ट्राइबल रीजन्स को भी रूरल और इको टूरिज्म की तरह डेवलप किया जा सकता है। उड़ीसा के कई रिलीजियसली फॉरगेटन साइट्स रिलीजियस टूरिज्म फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती हैं। उड़ीसा का लॉन्ग कोस्ट लाइन फिशरीज और पोर्ट एक्टिविटीज़ को भी और इन्हांस वे में सपोर्ट कर सकता है। पारादीप पोर्ट की तरह स्टेट में दूसरे डीप पोर्ट का निर्माण स्टेट इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल स्टेप साबित होगा। दोस्तों, उड़ीसा के पास रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है। नवीन पटनायक गवर्नमेंट के गवर्नेंस मॉडल के अंदर स्टेट आज अपने डेवलपमेंट की जर्नी को तेजी से कवर कर रहा है। यदि उड़ीसा को बीमारू स्टेटस से बाहर निकाल डेवलप्ड कोस्टल स्टेट से कंपीट करना है, तो जिस तरह इंडस्ट्रीज और सर्विसेज पे फोकस किया गया है, वैसा ही फोकस एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज के डेवलपमेंट पे करना होगा। कोस्टल रीजन की तरह यदि केबी के रीजन और हिंटरलैंड में फोकस किया जाए, तो स्टेट अपने कई इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता है। इन इश्यूज के रिजॉल्व होने से स्टेट अपने दूसरे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे बेटर कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी उड़ीसा की। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और स्टेट की इन डेप्थ एनालिसिस इसी तरह से करें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।